विद्या भारती के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। कक्षा षष्ठी विशेष सम्बन्धित विज्ञान अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी। पहले वाले विधि में हमने ये पढ़ा था कि आसमान में दिखाई देने वाले जो आसमान यानी विभिन्न जो तारों के समूह दिखाई देते हैं जिसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। इन्हीं नक्षत्र मंडलों के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि इन जो सात तारों का समूह हमें दिखाई दे रहा है उसे सप्तिसी तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार हमने एक अन्य तारा जो एक जगह स्थित रहता है जिसके द्वारा उत्तरी दिशा धार्मिक की जाती है उसे उत्तरी ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा है वे एक उपग्रह है और ये हमारी पृथ्वी का क्षेत्र है और उसके चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं। ये हमारी पृथ्वी के समान सात अन्य ग्रह जो सूर्य के प्रकाश से या उष्मा प्राप्त करते हैं उनमें से कुछ के पास अपने भी चंद्रमा है। इसी प्रकार सौर मंडल सूर्य किस यानी सौर मंडल किससे बना हुआ है यानी सूर्य ग्रह उपग्रह ये सब मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं और जिसका मुख्य सूर्य होता है और उसे सूर्य परिवार के नाम से भी जाना जाता है। यानी सौर मंडल में सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव इसे सौर मंडल को बांधे रखते हैं। सूर्य सौर मंडल के प्रकाश या उष्मा का एकमात्र स्रोत है लेकिन हम उसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं जिसका प्रमुख कारण है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। इसी प्रकार आप यहाँ पढ़ने वाले हैं ग्रह यानी सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और दूरी के हिसाब से सूर्य की दूरी के हिसाब से इन्हीं 8 ग्रहों में सबसे पहले आएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून। स्वर्ण के सभी ग्रह अपने निश्चित पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिसे कक्ष कहा जाता है और इस सूर्य का सबसे जो नजदीकी ग्रह है वह है बुध। बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कुल 88 दिन भी लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का ध्रुवा ग्रह भी कहा जाता है जिसका प्रमुख कारण है कि शुक्र को पृथ्वी का ध्रुवा ग्रह भी कहा जाता है जिसका प्रमुख कारण है कि उसकी आकार आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। यानी आकाश में ये आसमान में हमें जो चंद्रमा दिखाई देता है जिसे जो एक उपग्रह है और जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाते हैं आगे पढ़ेंगे।
सनी, यूरेनस तथा नेपच्यून, यानी सौर में कुल 8 ग्रह हैं और सूर्य की दूरी है 6 से। इसी प्रकार ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। जाता है।